जलकल बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण किया जाएगा, जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सौगरवाल ने बताया कि जलकल भवन की जो मुख्य इमारत है वह 50 वर्ष से अधिक की हो गई है, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जिससे जनहानि की संभावना बनी रहती है। इसलिए जलकल की बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण कराकर नया बिल्डिंग बनाया जाएगा, जिसमें मुख्य अभियंता ने रिपोर्ट लगाया है। उसका मरम्मत नहीं हो सकता है, इसलिए बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण किया जाएगा और कर्मचारियों को नगर निगम की बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सौगरवाल ने कहा, जलकल भवन की जो मुख्य जो इमारत है लगभग उसको 50 वर्ष से अधिक हो गए हैं और उसमें बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में, ऐसे में किसी भी जन धन की हानि की संभावना बनी रहती है। तो उसका हम सर्वे करा रहे हैं कि उसमें क्या क्या उसका क्या क्या उसमें कितना उसको समय हो गया है और क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ऐसे में जलकल की जो पुरानी बिल्डिंग है उसको ध्वस्तीकरण करना ही मुझे लगता है एक उसका माध्यम रहेगा, क्योंकि जो हमारे मुख्य अभियंता हैं उन्होंने रिपोर्ट लगाई है कि उसकी मरम्मत नहीं हो सकती, अनुरक्षण योग्य नहीं है, उसका ध्वस्तीकरण ही किया जाना आवश्यक है। तो ऐसे में जलकल की जो हमारे कर्मचारी हैं जो उन सबको नगर निगम की बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा और साथ ही साथ जलकल की उस बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण करवा कर वहाँ पर उसके फिर जो नई बिल्डिंग है उसके लिए प्रपोजल भेजा जाएगा शासन में।